गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो अभी मैं सुबह सुबह में शूट कर रही हूँ और आज मैं व्लॉग शूट करने जा रही हूँ। और कुछ लोग चाहते थे कि मैं उनके साथ शेयर करूँ अपना जो डेली रूटीन होता है। तो फिलहाल तो अभी मेरे इस डेली रूटीन में पेंट का काम चल रहा है मेरे घर में। जैसे कि आप सभी जानते हो, मैंने आपको पहले लाइव में भी बताया था, जब अभी मैं थोड़े टाइम पहले लाइव आई थी। तो अभी सुबह के 6 बजे हैं और 6 बज रहे हैं, मैं उठ चुकी हूँ और बच्चे अभी तक सोए हुए हैं। क्योंकि ऐसे में ना बच्चे बहुत ज्यादा थक जाते हैं। हम बड़े तो थकते ही हैं, बच्चे उससे ज्यादा थक जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बच्चे भी हेल्प करवा ही रहे हैं अपने लेवल पर। और मैं आपको अपने घर की हालत भी दिखाऊंगी अभी कि क्या हालत बनी हुई है घर की। तो अभी कुछ ज्यादा काम नहीं बचा है, थोड़ा ही काम बाकी है, बस 2-3 दिन का ही काम बचा है। और सुबह सुबह वो जो पेंट वाले भैया वो आ जाते हैं, तो मुझे जो है नाश्ता वगैरह सभी जल्दी से निपटाना होगा, जल्दी से खत्म करना होगा। तो चलिए मैं अभी चाय बना लेती हूँ। सबसे पहले मैं राज के लिए अपने लिए चाय बनाऊंगी, बच्चों को मैं चाय नहीं देती हूँ। और सबसे पहले हम सुबह में चाय लेते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद मैं अपने घर का जो बाकी काम है वो करती हूँ। चाय लेवर मैं भी हूँ लेकिन बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, सिर्फ दिन में 2 कप पीती हूँ, एक सुबह में एक शाम में, इससे ज्यादा नहीं पीती हूँ। हाँ, सर्दियों में कभी कभी 3 कप हो भी जाता है, क्योंकि कभी कभी जैसे तबीयत खराब हो जाती है, सर्दी जुकाम हो जाता है सर्दियों में, तो उस में क्या हो जाता है कि 2 से 3 कप भी हो जाते हैं चाय के। अदरवाइज मैं सिर्फ 2 ही कप लेती हूँ। और गर्मियों में तो अब मैं शायद 1 टाइम ही लूंगी, इससे ज्यादा नहीं लूंगी, क्योंकि चाय के बिना रहा भी नहीं जाता है और छूटती भी नहीं है। दोनों ही चीजें हैं मेरे साथ। और ये पीछे आपको मक्खी नजर आ रही होगी, ये बहुत इरिटेट कर रही है सच में, क्योंकि दरवाजा जब पेंट हो रहा था ना, भैया बार बार खोल रहे थे, बंद कर रहे थे, तो बार बार मतलब जो मक्खियां हैं वो आ रही थी जा रही थी, इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं धीरे धीरे सफाई करूंगी तो ये सारी बाहर चली जाएंगी। तो चलिए मैं अभी राज के लिए और अपने लिए चाय बना लेती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो यहाँ पर बस ये चाय बनने वाली है, ये देखिए। तो यहाँ पर हम नाश्ता कर चुके हैं और मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिल रही हूँ। और अभी यहाँ पर राज जो है वो मैंगो काट रहे हैं, क्योंकि बच्चों का फ्रूट्स खाने का मन हो रहा था। तो अभी 11 बज रही है और बस फ्रूट्स वगैरह खा लिए हमने। और मिस्टी ने ये देखिए क्या गिफ्ट बनाया था हमारे लिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। उस दिन एक्चुअली मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। और ये देखिए, मिस्टी ने ये गिफ्ट दिया था हमें एनिवर्सरी पर, ये फ्लावर बनाए थे उसने इस तरीके से, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्यूट सा गिफ्ट दिया था मिस्टी ने, हम दोनों को ही दिया था, राज और मुझे। और हाँ, आपको मेरा फेस जो है वो थोड़ा डल नज़र आ रहा होगा, क्योंकि आप जानते हो गाइज, मैं अपना स्किन केयर रूटीन नहीं कर पा रही हूँ रेगुलर अभी जो चल रहा है फिलहाल, क्योंकि सिचुएशन ये हो रही है कि मैंने आपको जैसा कि लाइव में बताया था उस दिन कि मेरे घर में पेट का काम चल रहा है, तो अपनी स्किन केयर रूटीन में ढंग से कर नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, मैं पीछे गैलरी से शूट कर रही हूँ, ये आप देख सकते हो सब कुछ मैसी पड़ा है। ये देखिए, अभी उन्होंने सिर्फ ऊपर व्हाइट कलर का जो पेंट है वो किया है, ये देखिए इस तरीके से। और बाथरूम में भी कुछ ऐसा ही सीन है। और ये देखिए मेरी घर की हालत क्या हो गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सारा जो किचन का सामान है वो मैंने यहाँ पर इस रूम में रख दिया है, एडजस्ट कर दिया है यहाँ पर। और मैं अभी आपको ज़्यादा जो पेंट है वो दिखा नहीं पाऊंगी, वैसे आप देख भी रहे हो, बाद में मैं होम टूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप देख सकते हो, ये देखिए फ्रिज मैंने यहाँ सेटिंग कर दी है इसके भी फिलहाल। लंच वगैरह मैं आज बना चुकी हूँ, मैंने सुबह में ही बना लिया था नाश्ता करने के बाद। और गैस मैंने यहाँ पर रख दिया है, चूल्हा जो आप देख सकते हो। और प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा गाइज, बैड कमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ये हालत हो रही है कुछ इस तरीके से। तो ये राज अभी यहीं पर सेट कर देंगे, सिलेंडर की पाइप लगानी है बस। तो यहाँ पर मैं चाय वगैरह बना दूंगी जो भी भैया आए हुए हैं उनके लिए। तो चलिए अभी मैं बाहर का भी दिखा देती हूँ आपको। और कुछ सामान मैंने किचन का यहाँ पर रख दिया है, ये देखिए, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। आप सभी जानते हैं कि जो बार्बर की जो शॉप है, यानी कि नाई की जो शॉप है, वो सभी जगह बंद है, सैलून वगैरह। तो अरमान के बाल जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे उसको, तो इसलिए राज और मैंने उसके बाल जो है वो दोनों ने मिलकर ही काटे हैं, आप देख सकते हो। तो पहले राज कुछ कटिंग कर रहे हैं, उसके बाद जो बड़े हेयर थे इसके अलग से जो निकले हुए थे वो मैंने कट किए थे। और यहाँ पर आपको अरमान थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहा है, क्योंकि इसको टेंशन हो रही थी कि मुझे लंबे बाल पसंद है, मतलब थोड़े बड़े हेयर से पसंद है, ज़्यादा शॉर्ट पसंद नहीं है। और ये देखिए, इसलिए थोड़ा टेंशन में था। और मैंने इसे बोला भी था, बेटा ज़्यादा टेंशन मत लो, आपके ज़्यादा बाल जो है वो शॉर्ट नहीं होंगे, नॉर्मल से ही काटने हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करने। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि लॉकडाउन था, तो कितना टाइम तक सब घर में ही थे और कोई भी शॉप्स वगैरह खुली नहीं थी, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है।
और बच्चों को वैसे भी मतलब अब तो बहुत ज़्यादा रिस्की लगने लग गया है सैलून वगैरह पर अगर आप जाते हैं हेयर कट के लिए, और बहुत ज़्यादा डर भी लगने लग गया है क्योंकि पता नहीं कि वो कितना साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, ये भी चीज़ की थोड़ी टेंशन हो रही थी मुझे, तो इसलिए हमने इसके बाल जो है वो घर पर ही काट दिए थे। और जब अरमान छोटा था ना, मैं आपको बता देती हूँ, जब अरमान 6-7 महीने का था तो तब भी मैं इसके बाल जो है वो घर पर ही काटती थी, जब हम फरीदाबाद में रहते थे तो मैं इसके घर पर ही बाल काटती थी इस तरीके से। और जब ये सोता होता था ना तब मैं इसके बाल काटती थी, क्योंकि क्या होता था कि जब ये जागता था ना तब परेशान करता था बहुत ज़्यादा, और बच्चे भी दोनों हेल्प करवा रहे हैं आप देख सकते हो। अरमान को नहीं पता था कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, ये देखिए कैसे सरप्राइज हो गया था वो देखकर। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि काफ़ी जो छोटा छोटा किचन का सामान था वो मैं रख चुकी हूँ, जमा चुकी हूँ, क्योंकि खाना वगैरह भी बनाना है, मुझे डिनर बनाना है। तो पहले मैं यहाँ पर डिनर बनाऊँगी, फिर मैं रात को थोड़ा सा सामान सेट कर लूँगी, क्योंकि अंदर का जो पेंट का काम है ना वो ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, बहुत ज़्यादा काम नहीं रह गया है अंदर का। तो अभी मैं यहाँ पर डिनर बनाऊँगी थोड़ी देर में, और इसके बाद मैं जो भी बाकी सामान होगा वो सेट करूँगी। आपको मैं यहाँ पर भी दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो कि इस तरीके से यहाँ पर मैसी हुआ था, अभी तो फिर भी मैंने काफ़ी साफ़ कर दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये किनारियाँ लगवाई हैं मैंने डोर पर, पहले नहीं लगी हुई थी, और ये गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है चीज़ें, आप भी ज़रूर लगवाइएगा अगर आपने नहीं लगवाई है, क्योंकि क्या होता है कि गर्मी के दिनों में ना इन चीज़ों में इंसेक्ट वगैरह छुप कर बैठ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। और अब आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ गाइस, ये हमारे घर के सामने गेट के सामने ना ये पौधा अपने आप उग गया था, टमाटर का पौधा है ये, और आप देख सकते हो ये ऑर्गेनिक टमाटो आप कह सकते हो, जी हाँ ऑर्गेनिक टमाटर हैंगे और घर के टमाटर बोल सकते हो आप इसे, मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे टमाटर, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा दूँ। तो यहाँ अभी मैं छत पर आई हूँ, राज जो है वो पौधों में पानी दे रहे हैं, और ये देखिए बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था इसलिए मुझे आनन फानन में फटाफट से सफाई करके ना ऊपर मोंडी की मैंने सफाई करी है, फिर उसमें सामान जमाया राज और मैंने फटाफट से, और आप देख सकते हो काफ़ी कुछ क्लीन हो गया है छत पर, मतलब जो भी सामान एक्स्ट्रा बाहर पड़ा हुआ था वो मैंने अंदर रख दिया है जमा के। गाइस कितना सारा काम होता है आप देख सकते हो यार, इसीलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वीडियो शूट करना इन दिनों में, बट जल्दी से अब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे अभी काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ, और अभी शाम के 6 बज चुकी हैं, बस पेंट वाले जो भैया हैं वो अभी भी गए हैं, और मैं ये सोच रही हूँ कि राज और हमने अभी डिसाइड किया है कि जो भी हैवी सामान है ना वो वहीं पर सेट कर देते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें अब दोबारा नहीं हटाना है वहाँ से, जैसे कि दूसरे रूम में जो बेड रखा हुआ है सिंगल बेड है और ड्रेसिंग टेबल है, और वो चीज़ें मैंने वहीं पर सेट करके रख देनी है अभी। तो मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उतने ही एरिया में करूँगी जितने में सामान रखना है, क्योंकि वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है घर में, और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं सारा फर्श है वो एक बार अच्छे से धो दूँ, उसे क्लीन कर दूँ, क्योंकि गंदगी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे साफ करने के बाद ही मैं बाकी का सामान रखूंगी। और हालत मैं आपको दिखाई चुकी हूँ कि घर की क्या हालत हुई है, तो अभी अंदर का जो काम है वो सिर्फ डोर्स का जो पेंट है वो वाला काम बचा हुआ है, तो पहले मैं और सामान सेट कर लेती हूँ, क्योंकि उन सामान को मैंने अभी वहां से नहीं हटाना है, तो इसलिए मैं अब सोच रही हूँ कि उस सामान को वहीं पर सेट कर देती हूँ। अभी मैं पहले डिनर की तैयारी करूंगी और इसके बाद फिर हम खाना वगैरह खाकर तो भी जो भी काम है वो कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि कुछ सामान मैंने अपनी जगह पर रख दिया है, जो भी हैवी सामान था, तो यहाँ पर ये अलमीरा मैंने रख दिया है और ये सामान आप देख सकते हो। तो अभी रात के 10 बज रही है तो हम ये सब सेटिंग कर रहे हैं यहाँ से, अभी कुछ सामान जो है वो जमा रही है अपनी जगह पर। मैं कुछ आपको अभी ड्राइंग रूम में भी दिखा देती हूँ, मैं लिविंग एरिया में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये बेड का पीछे जो बैक साइड होती है बेड की तो वो है, और यहाँ पर मैं अभी झाड़ू लगा दूंगी, काफ़ी जो मैं जो भी कूड़ा वगैरह था वो मैं सब रख चुकी हूँ अच्छे से, मतलब बाहर निकाल दिया है मैंने, क्लीन कर दिया है, और इसके बाद जो भी सामान होगा वो मैं अच्छे से रूम को मुझे धोना पड़ेगा क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद ही अच्छे से मैं सामान जमा पाऊंगी। सो फ्रेंड्स, डिनर वगैरह हम कर चुके हैं और सारी सफाई भी मैंने आपको दिखाया कि कर ली है, और अभी थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा बैंड बज चुकी है, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, थक चुके हैं इसलिए परेशान कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, आपको अच्छा लगा हो ये ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।